बात करेंगे लखीमपुर हिंसा से जुड़े हुए मामले की, जिसमें मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को आज सुबह 11 बजे तक पुलिस के सामने पेश होना है। आशीष के पिता यानी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने दावा किया है कि उनका बेटा आज सबूतों के साथ पेश होगा, और इस बीच इस मुद्दे पर अलग अलग दलों के बीच सियासी रस्साकशी भी शुरू हो गई है। दो दिन में दो नोटिस, ये सिर्फ दीवार पर चिपका कागज का टुकड़ा नहीं है, ये उस रसूख की बानगी है जिसकी वजह से यूपी पुलिस दो दिन से घर के चक्कर काट रही है। लेकिन 302 जैसी संगीन धारा का आरोपी आशीष मिश्रा पुलिस के सामने हाजिर नहीं हो रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने दावा किया है कि उनका बेटा घर पर ही मौजूद है और वो आज पेश होगा। दावे किए जा रहे हैं उनके पिता की ओर से कि आशीष मिश्रा कहीं भी नहीं गया बल्कि इसी घर में है। हैरानी की बात यह भी है कि एक के बाद एक नोटिस यहां पर लगाए जा रहे हैं और इसको रिसीव करने वाला कोई नहीं है, और तब भी ये कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा कहीं नहीं गए, इस घर के ही भीतर। आरोप लग रहे हैं कि मंत्री के रसूख की वजह से पुलिस एक्शन लेने से बच रही है। आशीष के पिता मंत्री अजय मिश्रा की दलील है कि अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद FIR दर्ज भी नहीं होती। हमारे बेटे की जहां तक बात है वो कहीं गए नहीं गए, शहपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं, अभी भी उपस्थित हैं। अगर आप सबको विश्वास ना हो तो लखीमपुर चलो, दूसरे राजनीतिक दल होते तो शायद इतने बड़े पद पर मैं हूं तो उसके बेटे के खिलाफ FIR भी नहीं दर्ज होती। हैरानी तो ये है कि मंत्री जी का ये बयान देश की सबसे बड़ी अदालत की उस फटकार के बाद आया है जिसमें अदालत ने लखीमपुर कांड पर उत्तर प्रदेश पुलिस की जमकर क्लास लगाई है। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी कोई आम नागरिक होता तो क्या पुलिस का यही रवैया होता? पुलिस एक आरोपी से पेश होने का अनुरोध क्यों कर रही है जबकि हत्या की नामजद FIR दर्ज है? अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि पुलिस ने अपने हाथ क्यों रोके और ऐसी कार्रवाई करके क्या संदेश देना चाहते हैं? यही नहीं, अदालत ने इस मामले के लिए बनाई गई SIT पर भी सवाल उठाए और कहा कि SIT में सभी स्थानीय अधिकारियों का होना सही नहीं है। अदालत की फटकार के बाद अजय मिश्रा ने पुलिस के सामने बेटे के पेश न होने की मजबूरी गिनाई। हमने सारे साक्ष्यों को संकलित कर लिया है और जैसे ही वो कहेंगे वो जा करके कहेंगे, और हमारे बेटे की जहां तक बात है वो कहीं गए नहीं गए, शहपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं, अभी भी उपस्थित हैं। अगर आप सबको विश्वास ना हो तो लखीमपुर चलो, सबको चाय पिलवाते हैं। विपक्ष मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। मैं यही कहूंगी कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक इन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाएगा। लखीमपुर कांड पर सियासत की लपटें तेज होती जा रही है। पंजाब से लखीमपुर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू पीड़ितों के गाँव में ही मौन धारण कर भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये जो सारी बातें हो रही हैं इसके साथ लोगों की पीड़ा है और हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जो आशीष जिन्होंने ये काम किया है उनको जल्दी से जल्दी पुलिस पकड़े या वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, तब तक हमारा ये अनशन चलता रहे। लखीमपुर कांड के बाद कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति को इसी घटना के आसपास बुनना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने पहले से तय 10 अक्टूबर की बनारस रैली का नाम प्रतिज्ञा रैली से बदलकर किसान न्याय रैली कर दिया है। पहले बात कांग्रेस के साथ वचन की होनी थी, लेकिन अब चलो बनारस का नारा देकर लखीमपुर कांड पर गिरफ्तारी और मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की गई है। साफ है कि इन पोस्टरों की तरह सियासत के रंग भी बदल रहे हैं और विपक्ष पूरी ताकत लगाकर यूपी सरकार को घेरने में जुट गया है। और इस मुद्दे पर ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता लखीमपुर के पुलिस लाइन से संजय त्रिपाठी। सीधा संजय का रुख करते हैं। संजय, क्या लग रहा है, कल भी आशीष मिश्रा की पेशी होनी थी लेकिन वो कल पहुंचे नहीं, आज की हलचल क्या कह रही है, क्या आज पहुंचेंगे? देखिए, दो नोटिस एक के बाद एक उनके घर पे लगाए जा चुके हैं, जिसमें पहला नोटिस ये था कि कल सुबह 10 बजे वो आएंगे लेकिन वो नहीं आए। पुलिस अधिकारी उनसे पहले पहुंच गए, इंतज़ार करते रहे कई घंटे तक, लेकिन आशीष मिश्रा का कुछ पता नहीं चला। आज 11 बजे का वक्त दिया गया है और इंतज़ाम आपको दिखाना चाहूँगा। ये सबसे पहले क्राइम ब्रांच का जो ऑफिस है जहाँ पुलिस लाइन में इस वक्त खड़ा हूँ, और यहीं आशीष मिश्रा को आना है। अभी सन्नाटा है लेकिन जो गतिविधियां आसपास हैं वो बढ़ती जा रही हैं। बाईं ओर की तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा दिखाएँ कि बाईं ओर पुलिस की बैरिकेटिंग की गई है, रास्ता रोक दिया गया है, किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है।
सारी गाड़ियां जो यहाँ खड़ी थी उन सबको बाहर कर दिया गया है। तो मतलब आज आप समझ सकती हैं कि तैयारियां हैं और ऐसा माना जा रहा है कि निश्चित रूप से आशीष मिश्रा हाजिर होगा। एक बार दाईं ओर की तस्वीर में कहूंगा, फिर से दिखाएं कि दाईं ओर देखिए पूरा पुलिस का सख्त पहरा किया गया है और काफ़ी पुलिसकर्मी वहाँ तैनात हैं। अभी सुबह का वक्त है और अभी कुछ घंटे बाकी हैं आशीष मिश्रा को जो दिया गया वक्त है उससे, तो आप देख करके समझ सकती हैं कि आज तैयारियां विशेष हैं, इंतज़ाम पुख्ता हैं और माना जा रहा है कि आशीष मिश्रा 11 बजे का जो टाइम उसको दिया गया है वो आएगा और यहां अपने पक्ष में अपने बयान दर्ज कराएगा और साथ ही साथ जो साक्ष्य उसके पक्ष में होंगे वो प्रस्तुत किया गया, इसी बात का नोटिस दिया गया है क्योंकि लगातार उसकी गिरफ्तारी का दबाव है। लेकिन अभी तक आशीष मिश्रा के बारे में जो लखीमपुर पुलिस है, जो SIT की टीमें हैं, वो अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रही कि वो कहाँ पर है। जी सर, बिल्कुल, आप बने रहिए संजय हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। लखीमपुर खीरी में ही अजय मिश्रा के घर के बाहर से हमें अपडेट्स दे रहे हैं संवाददाता जनेंद्र कुमार। जनेंद्र, अभी क्या हलचल देखने को मिल रही है अजय मिश्रा के घर के बाहर, क्योंकि अजय मिश्रा कह रहे थे कि कल तो आशीष की तबीयत खराब थी, लेकिन क्या आशीष आज पहुंचेंगे? बिल्कुल, कल मंत्री ने स्वास्थ्य का हवाला दिया था और कहा था कि स्वास्थ्य कारणों से बेटा नहीं पहुंचा पुलिस के समन पर, और उन्होंने कहा कि आज वो जरूर साक्ष्यों के साथ अपना बयान दर्ज करवाने पहुंचेगा। जहां तक यहां के माहौल का सवाल आपने पूछा, तो तस्वीरों के जरिए मैं आपको बताऊं कि यहां पर फिलहाल जो है वो सामान्य स्थिति दिख रही है। ये घर है अजय मिश्रा टेनी, जो कि गृह राज्य मंत्री है, जिनका बेटा मुख्य आरोपी है लखीमपुर कांड का। घर के बाहर आप कुछ पुलिस वाले और एक पुलिस की जीप, और इसके अलावा मीडिया कर्मी है, और सुबह का वक्त है तो गली, जिस मोहल्ले में ये घर है उस मोहल्ले के लोग अपने घरों से निकल रहे हैं अपने काम को लेकर। ज़्यादा विशेष अभी फिलहाल यहाँ गहमा गहमी नहीं है, लेकिन 3 घंटे बाद 11 बजे आशीष मिश्रा को पुलिस लाइन में हाजिर होना है, जो इस जगह से। लेकिन जनेंद्र, अगर आज भी हाजिर नहीं होते हैं आशीष मिश्रा, तो फिर क्या कदम उठाया जाएगा? क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस बाहर क्यों है, अंदर क्यों नहीं जा रही? देखिए, अगर आज आशीष मिश्रा हाजिर नहीं होता तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 11 बजे वो हाजिर होगा, खुद आरोपी के पिता ने कैमरे पर कहा है, तो सरकार की किरकिरी होगी, अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग और उठेगी, और इसके बाद पुलिस जाहिर सी बात है दबिश बनाएगी आशीष मिश्रा की पड़ताल के लिए कि वो कहाँ है, और इसके बावजूद अगर वो उसके नाम से गिरफ्तारी वारंट जो है वो जारी हो सकता है, कुर्की जब्ती, तो तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है, अगर वो आज नहीं हाजिर होता तो कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत होगी और वो और ज्यादा जो है वो घिरेंगे, उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। तो आज उन्हें हाजिर होना ही होगा। जी जनेंद्र, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, और संजय आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लगातार नजर बनाकर रखिए। ABP News आपको रखे आगे।